हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। प्यारे बच्चों, आप लोग का बार बार कमेंट और मैसेज था, सर एडमिट कार्ड नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा। ठीक है, तो आप लोग बार बार यही पूछ रहे थे, तो आपका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है, एडमिट कार्ड आ गया है। आप लोग बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे एडमिट कार्ड के लिए और परेशान भी थे, तो परेशान होने की बात नहीं है प्यारे बच्चों। अब आपका एडमिट कार्ड आ गया, अब आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। फिर भी अगर जो आप लोग को किसी बच्चे को एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में दिक्कत है, तो आप हमारे ठीक है टेलीग्राम पर्सनल आईडी पर मैसेज कर दीजिएगा। वहाँ पर आप लोग को आईडी और पासवर्ड सेंड करना रहेगा, उसके बाद में मैं आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करके खुद से भेज दूंगा। ठीक है, अगर जो आपको दिक्कत होती है तो हालांकि वीडियो देखने के बाद में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसके अलावा जो बच्चे हमारे साथ CHS एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी फ्री में करना चाहते हैं, वो बच्चे हमारे साथ जुड़ करके फ्री में तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का ये सेशन और समझते हैं सारी चीज़ों को। सबसे पहले क्या करना है आपको, गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन करने के बाद में क्या करना है आपको, सिंपली जा करके सर्च बार में टाइप करना है BHU ऑनलाइन। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, क्या करेंगे, BHU ऑनलाइन टाइप करेंगे, उसके बाद क्या कर देंगे, सर्च कर देंगे इसको। सर्च करने के बाद में आप लोग को कुछ इस प्रकार से पेज देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको दिखें सारी चीज़ें एकदम अच्छे अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले जो लिखा गया है WWW BHU ऑनलाइन। ठीक है, इसके नीचे लिखा गया जो बनारस हिंदू, ठीक है, ये वाली क्या लिखी गई है नीली कलर से, आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम क्या करना है, इस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। यही ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में आपको ये ऑफिशियल पेज मिल जाएगा, जहाँ से क्या कर सकते हैं आप लोग अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, एडमिट कार्ड पिछली बार क्या हुआ था, यहाँ पर एक सेशन दिया गया था, उसमें से आप लोग क्लिक करके जा करके डाउनलोड तुरंत करते थे, लेकिन से इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, अगर जो आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है तो यहाँ पर जो दिया गया है, क्लिक हेयर टू अप्लाई स्कूल एंट्रेंस। ठीक है, अगर जो आप 9th का भी डाउनलोड करना चाहते हैं तब भी इसी पर क्लिक करेंगे, अगर जो 11th का करना चाहते हैं तब भी क्या करेंगे, इसी पर क्लिक करेंगे। ठीक है, जो आप लोग ब्लैक कलर दिख रहे होंगे, ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद में क्या आएगा, आपको इस तरह से एक पेज खोलेगा। देखिए, थोड़ा ध्यान से आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, इस तरह से खुल जाएगा। अब इसके बाद में क्या करना है आपको, देखेंगे यहाँ पर कहेंगे यहाँ पर कहाँ डाउनलोड होगा, तो सबसे पहले प्यारे बच्चों इसको क्या करना पड़ेगा, आपको लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आईडी और क्या करना होगा आपको, पासवर्ड भरना होगा। ठीक है, आईडी और पासवर्ड एकदम अच्छे तरीके से भरेंगे, उसके बाद में तभी आप लोग का डाउनलोड होगा एडमिट कार्ड। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर करना क्या होगा आपको, जो दिख रहा है ईमेल आईडी, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपको, अपना ईमेल आईडी भरना होगा जो आप लोग फॉर्म भरते समय यूज किए थे। ठीक है, उसको क्या करेंगे आप लोग फिल करेंगे, ठीक है, इस वाले बॉक्स में जो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसके बाद नीचे यहाँ पर क्या करना रहेगा आपको, अपना पासवर्ड भरना होगा। उसके बाद क्या करना होगा आप लोग को, सबमिट वाले बटन पर क्लिक करते ही क्या हो जाएगा, आपका सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने वाला प्रोसेस मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे जिस भी क्लास को करना चाहते हैं। ठीक है, एकदम अच्छे तरीके से सारे क्लास का हो जाएगा, चाहे 9th या 11th या 12th का। ठीक है, जिस भी बच्चे को डाउनलोड करने में दिक्कत है, ठीक है, आप लोग हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6390 37 50 15, इस पर आप लोग क्या करिए अपना ठीक है ईमेल आईडी और क्या करिएगा पासवर्ड भेज दीजिएगा, मैं आपका डाउनलोड करके आपके पास भेज दूंगा। ठीक है, बहुत से बच्चे भेजते हैं, ठीक है, तो उनका मैं डाउनलोड करके भेजा हूँ नवोदय में, हालांकि इस बार भी भेजेंगे तो इस बार भी आप लोग का जरूर हेल्प हो जाएगी एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, अगर जो कोई दिक्कत है तो उम्मीद है प्यारे बच्चों आप लोग को ये सेशन समझ में आया होगा। अगर जो समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के पास में शेयर करिए। बाकी मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और अपनी पढ़ाई एकदम बेहतरीन तरीके से करते रहेंगे। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।